इसमें ऐड कर ले दैट इज फॉर स्टडीज पर्पज राइट ये पढ़ाई करने के लिए आपने जाना बाहर के मुल्क में वह वा, उस वाले मुल्क की आपको करेंसी चाहिए तो दीज आर द फोर मेजर रीजन जिसके ऊपर आपको फॉरन करेंसी चाहिए और आप अपना करेंसी देंगे तो जहाँ ये चारों चीजें ज्यादा हो जाएंगी उधर उस पर्टिकुलर मुल्क की करेंसी की वैल्यू ऑटोमेटिकली अप्रिसिएट कर जाएगी एंड वाइस वर्सा नाउ फॉरन एक्सचेंज की जो ट्रेडिंग है या फॉरेक्स की ट्रेडिंग है वो तीन वेन्यूज पे हो सकती है वन इज़ द स्पॉट मार्केट द अदर इज द फॉरवर्ड मार्केट एंड द थर्ड वन इज़ द फ्यूचर मार्केट और हम पिछले सेशन में बहुत तफसील से डिस्कस कर चुके हैं कि फॉरवर्ड मार्केट में और फ्यूचर मार्केट में फ़र्क क्या होता है फॉरवर्ड मार्केट में आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी भी वक्त डिसाइड डिसाइड कर सकते हैं एग्रीमेंट कर सकते हैं जिसमें जो पेमेंट है वो एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद होती है या डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट्स एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद होती है दैट इज कॉल्ड द फॉरवर्ड मार्केट फ्यूचर इज अ अशलाइज मार्केट जिसमें डेरेवेटिव को हम अकाउंट फॉर करते हैं एंड वी हैव एक्सटेंसिवली दैट टू तो जब हम हैन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं तो वहां आप स्पॉट मार्केट में भी इसकी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं फॉरवर्ड मार्केट में भी और फ्यूचर मार्केट्स में भी फाइनेंशियल एक्सचेंज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ टूल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नाउ हाउ दो ट्रेड एक्चुअली टेक्स प्लेस उसके लिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप इस पर्टिकुलर बिजनेस में एंटर होना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फॉरेन एक्सचेंज के अंदर तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज़ एजुकेट योर सेल्फ़ आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट फॉरन जो करेंसीज़ हैं उनके डायनामिक्स क्या हैं उनकी फ़्लक्चुएशन किस नेचर की हैं उनके ट्रेंड्स क्या हैं उसके बाद अहम बात यह है कि मार्किट के जो ऑपरेशन हैं वो किस तरह से होते हैं और जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं स्प्रेड है और ये तमाम चीजें जो हैं जो कि बिजनेस uh, के अंदर फॉरेन एक्सचेंज के बिजनेस के अंदर टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं आपको अवेलबर्स्ट होना चाहिए आपको उनके बखूबी पता होना चाहिए कि ये क्या चीजें हैं अनदर इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर यू नो सम बेसिक्स ऑफ द टर्मिनोलॉजीज एंड यू नो द हाउ द एंटायर मार्केट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वर्क्स द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू डिसाइड योर ट्रेडिंग स्ट्रैटी जो कि डिपेंड करेगी आपके पास पैसे कितने इन्वेस्टमेंट के लिए और एक और बहुत अहम चीज जो कि मैंने यहाँ नीली कर दिया है दैट इज योर रिस्क टॉलरेंस लेवल क्योंकि हम लोगों को मुख्तफ रिस्क टॉलरेंस लेवल के ऊपर सेग्रीगेट कर सकते हैं हो सकता है आप ज़्यादा हायर लेवल ऑफ रिस्क लेना पसंद करें एज कंपेयर टू एनी अदर इन्वेस्टर सो रिस्क टॉलरेंस लेवल के ऊपर हम इन्वेस्टर को कैटेगराइज कर सकते हैं एज रिस्क वर्टर रिस्क लवर्स एंड रिस्क न्यूट्रल्स तो आपका रिस्क का टॉलरेंस का लेवल क्या है आपके पास फाइनेंसिस कितने हैं आपके पास बखूबी मार्केट के डायनामिक्स को समझने की समझ होनी चाहिए उसकी अंडर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में आपको अंदाजा होगा उसके बाद आप क्या करेंगे आप एक ब्रोकरेज अकाउंट खोलेंगे और आप अपने ट्रांजेक्शन्स को कर सकते हैं और ये तमाम ट्रांजेक्शन जो हैं वो अभी चूँकि इंटरनेट इतना एक्सटेंसिवली डेवलप कर गया है हमारे पास गैजेट्स होते हैं हमारे अपने घर में टेलीफोन के फॉर्म में लैपटॉप्स के फॉर्म में डेस्कटॉप्स के फॉर्म में तो आप ये तमाम चीजें जो हैं ये ऑनलाइन भी कर सकते हैं तो आप किसी भी ब्रोकरेज हाउस को के अंदर आप अपना अकाउंट बनाएं और आप ये तमाम ट्रांजेक्शन को ऑनलाइन कर सकते हैं अगैन यू कैन यू हैव द चॉइस टू बाय द फॉरेन करेंसी इन द स्पॉट मार्केट इन द फ्यूचर मार्केट इन द इन द फॉरवर्ड मार्केट सो डिपेंडिंग अपॉन वॉट टाइप ऑफ रिस्क यू आर इंटरेस्टेड टू टेक एन or gradually when you are when you will participate in the investment process you will learn how things actually work and they may help you they may guide you in making more more and more profit and and minimizing your losses